यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बर्फ है। दिखाऊं नीचे बेंच दिख रहा है? बेंच ये पूरा गढ़ चुका है इसमें। One last ticket before it's gone. One last summer before it's gone. So guys, as you can see, ये जो रास्ता दिख रहा है ये ट्रैक करके जाना पड़ेगा हमें ऊपर ओली लेक के लिए। यहाँ पे जो पार्किंग अभी आप देख रहे हो, यहीं पे आपको अपनी बाइक या कार में जैसे भी आ रहे हो आप, यहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी। ये ओली स्की रिजॉर्ट के नाम से है। ये पीछे जो दिख रहा है होटल साहब, ये है ओली स्की रिजॉर्ट। तो यहीं तक आपकी बाइक वगैरह या व्हीकल आ पाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। और डिपेंड करता है आप किस टाइम आते हो। अभी फेब के महीने में तो ये बर्फ जमी हुई है, हमें बर्फ के ऊपर ट्रैक करके जाना पड़ेगा। तो चलते हैं गाइस। I am beside the lake, Oli Lake। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ये पूरे में बर्फ जमी हुई है, पानी तो दिख ही नहीं रहा है इसमें। ये जो सर्कुलर आपको दिख रहा है ये पीछे मेरे लेक है ओली का, जैसा कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसका डिज़ाइन स्नो स्टार है, इसके डिज़ाइन को बोलते हैं स्नो स्टार, इटली का है डिज़ाइन। और बेसिकली ये जो लेक है आर्टिफिशियल वाटर स्टोरेज है, तो आर्टिफिशियल यानी कि वो क्रिएट किया गया है टू स्टोर द वाटर, बट पानी का तो बर्फ बन गया भाई। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बर्फ है, दिखाऊं नीचे बेंच दिख रहा है? बेंच ये पूरा गढ़ चुका है इसमें। बाकी नज़ारे तो बहुत ज़बरदस्त है। लेक के जो सामने दूसरी रेंज दिख रही है यहाँ पे, स्नो रेंज काफ़ी अच्छी दिख रही है। ये वही है जो हमें दूर दूर से दिखाई देती हैं। आज तो बहुत करीब हूँ मैं इनके, दिखाऊं पूरी आँखों में लग रही है धूप। ये देखो मेरे पीछे जो ये रेंज दिख रही है ना, बहुत ही सुंदर दिख रही है। ऊपर भी काफ़ी ये झोंपड़े से दिख रहे हैं मेरे को तो ये भी शायद रहने के लिए ही होंगे, लोग यहाँ पे स्टे करते होंगे ऊपर आके। इतना टफ भी नहीं था खैर जितना कि तुंगनाथ वगैरह वाला था। ये मेरे को लग रहा है कि डिस्टेंस कम था, अप्रॉक्स 20-30 मिनट्स में हम यहाँ पे पहुँच गए होंगे। मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ था जब पहुँचते ही, मैंने कहा अरे लेक आ गया। अगर आपको यहाँ पे आना होगा यू कैन वॉक और टेक अ रोप वे, यहाँ पर रोप वे की भी सुविधा है। रेट तो पता नहीं क्या होगा बट इतना कॉस्टली भी नहीं होगा। तो आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ से। Thank you.
कैसा लगा ओली लेक? मुझे तो बढ़िया लगा बहुत। मोहित भाई मौज आ गई? बहुत मौज आई है इस ट्रिप पर। हमने इतनी अच्छी अच्छी जगह कवर की है ना, इसमें जो बेस्ट जगह है ना इधर की उत्तराखंड की, जहाँ लोग जाना चाहते हैं हमेशा, वो भी विंटर्स में, वो हमने ये कवर की है। बस इस ट्रिप में थोड़ा सा हमें ये दुख होगा कि हम माना नहीं जा पाए, क्योंकि जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया था कि माना और बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब ये सब जगह बंद हुई हैं, मतलब अभी बंद हैं बर्फ़ की वजह से। और बंद भी होती तो पब्लिक की रीच तो हो ही जाती, लेकिन रीच इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे फोर्स लगाई हुई है, वहाँ पे आर्मी लगी हुई है, तो इसलिए किसी को वहाँ पे जाने दिया नहीं जाता बिकॉज ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर। जैसा कि माना गांव आपका लास्ट विलेज होता है इंडिया का चाइना की तरफ, तो वो बॉर्डर पड़ता है, इसलिए वहाँ पर मिलिट्री है। तो हम अभी यहाँ से जा रहे हैं वापस अपने होटल, वहाँ से निकलेंगे आज हम घर लौट रहे हैं वापस दिल्ली। और आई होप सो आपको ये सीरीज़ अपनी बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत सही सीरीज़ है बहुत सच में, मतलब इसमें कैंपिंग है, आइस ट्रैकिंग है, और क्या चाहिए यार। इस बार तो पूरे माउंटेनियर बन गए हम। तो इसलिए इस सफ़र को तो हम आज यहीं ख़त्म करेंगे, जल्द ही मिलेंगे आपसे ज़रूर एक अच्छी नई ट्रिप के लेकर। तो आप देखो वीडियो, होप सो आपको पसंद आएगी, हमें तो आया मज़ा, तो आपको भी आएगा। अगर आपको मज़ा आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड घंटी ज़रूर बजा देना, क्योंकि हमारे बहुत घंटी बजी है इस बार। इतने क्रंच में हमने सब कुछ कराया, जैसे कि सुबह 6 बजे उठ कर आए हैं आपको ये ओली लेक के लिए, फिर अब जा रहे हैं घर जाएंगे, 500 किलोमीटर की राइडिंग है अभी। तो अभी एक वन गो में तो अभी घर वापस पहुंच नहीं पाएंगे हम। हमने सोचा है कि बीच में कहीं ना कहीं स्टे लेंगे ऋषिकेश या फिर उससे पहले जहाँ पर भी हमें शाम हो जाती है। तो आई होप यू लाइक आवर कंप्लीट सीरीज, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। कितनी ठंड है भाई यहाँ पे, इतनी ठंड से तो रात में भी नहीं थी। बताओ कॉफी भी ठंडी हो गई है हमारी, अभी 2 मिनट पहले ही जस्ट गर्म कॉफी लाया था मैंने बस टेबल पे रखी है, और इतनी ठंडी हो गई है पी भी नहीं जाएगी, अब कैसे पीऊंगा इसे मैं, ठंड और लग रही है। ये अभी ऊपर से आए हैं ट्रैक करके, मोहित भाई की जैकेट पहनी हुई है मैंने, डबल करी है ये लगा लो, इतनी ठंड लग रही है मेरे को यहाँ पे। क्या भाई खेल रहा है जैकेट? ठंड लग रही है, ठंड लग रही है उतारे से। अरे अंदर कुछ नहीं पहन रखा रहने दे भाई, सच जानना है झूठ नहीं, सच सच बता लोगों को। तो गाइस सॉरी, अब हम जून के महीने में हैं, हम हैं अपने घर पे। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे मजाक कर रहा था, इट्स ऑल अ जोक। आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहिए। ये हमारा भाई, जिसके बिना हमारा ट्रिप नहीं पूरा हो सकता था। ये था, ये शेर वहां से चला गया, गया नहीं था, बस किसी की मदद नहीं थी और वो हमारे लिए सजा बन गई। सही में गर्मी लग रही है, तो गाइस ये हमारे इस ट्रिप की लास्ट वीडियो थी, हम आगे चैनल पे आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहेंगे। अभी हम इंफॉर्मेटिव वीडियो डालेंगे ट्रिप पे कैसे जाएं, कौन कौन सी अच्छी अच्छी जगह है उत्तराखंड में, हिमाचल में और पूरे इंडिया में, बजट भी बताएंगे इस, और ट्रैकिंग कैसे होती है या कैंपिंग कैसे कर सकते हो आप, वो भी आपको जानकारी पूरी मिलने वाली है आने वाली वीडियो में, और ये सब होने वाला है एक्सपीरियंस से। पैसा अगर 100 रुपए लगा रहे हो तो आप उससे 200 वसूल के जाओ भाई, पैसा वसूल होना चाहिए ट्रिप का, सीधी सी बात है ये, ठीक है, पैसा वसूल ट्रिप। तुमनाथ की वीडियोस आई होप आपको बहुत अच्छी लगी, और आप लोगों ने बहुत साथ दिया है हमारा, मतलब हमें बहुत अच्छा लगा है जिस तरीके से आप लोगों ने हमें प्यार दिया अपना, और हम ऐसा प्यार आपसे हमेशा के लिए चाहते हैं कि आप ऐसा प्यार बनाए रखें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस, अगर आपको अच्छी लग रही है जेन्युइनली कमेंट करें और हमें
आगे मोटिवेशन दें, मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए। जूस है कॉफी की, जूस है हमारे लिए, जूस है पर इनके लिए जूस है। मोहित भाई हमारे जूस पीते हैं, जूस। और ये जूस हम जूस पीते हैं। अगली ट्रिप ऐसी होने वाली है कि सच में आप एंजॉय करोगे काफी। इनकी 100% ट्रिप को मैं 200% बना दूंगा और आपकी 50% ट्रिप को ये 200% बना देंगे। तो जाते जाते बस मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, मेरी दोस्ती की पहचान मेरे साथ ही है, मेरी जिंदगी की कई उड़ान अभी बस। अगली उड़ान में गौरव भाई हमारे साथ होगा। तो दोस्तों भूलना मत, फुट लूज मेट्स, वी ऑल आर फुट लूज मेट्स। यस ओके।